नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में कर्मयोगी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी और तब से यह आयोजन काफी प्रगति पर है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक के सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज रांची का दौरा करेंगे, जहां राहुल गांधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग कर सीटों के बंटवारे पर फैसला ले सकते हैं। बता दें कि इस दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज और कल दो दिवसीय प्रवास पर हमीरपुर जाएंगे। इस दौरान सीएम सुक्खू विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ सीएम स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच आज एक बार फिर से भिड़ंत होने की संभावना है, जहां दोनों देशों की क्रिकेट टीमें आज इमर्जिंग एशिया कप 2024 का मुकाबला खेलने जा रही है। वहीं इस मुकाबले का फाइनल टूर्नामेंट ओमान में 27 अक्टूबर को खेला जाएगा। विकसित और समृद्ध बिहार सपने को साकार करने के लिए समर्पित फॉरम ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव द्वारा आज आइडियाज फॉर बिहार इन इनोवेशन समिट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन होटल लेमन ट्री प्रीमियम में आयोजित होने वाला है, जहां कार्यक्रम में टेक तथा आईटी जगत समेत स्टार्टअप से जुड़े कई दिग्गज हस्तियां शामिल होने वाली है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिवसीय यात्रा पर आज राजस्थान के सीकर जा रहे हैं। इस दौरान वे शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वार्षिक रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कल देर रात दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल से रिहा हो गए, जहां दिल्ली की सीएम आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचकर उनका स्वागत किया। वहीं आज उनके स्वागत में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित दंगा प्रभावित क्षेत्र महाराजगंज में अब अवैध निर्माण पर योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, जहां लोक निर्माण विभाग और जिला पंचायत की संयुक्त टीम ने सड़क की चौड़ाई की माप कर यहां मकान और दुकानों पर लाल निशान लगा दिया है। लोक निर्माण विभाग ने महाराजगंज इलाके में कई घरों पर नोटिस भी लगाई है। नोटिस में दुकान मकान मालिकों से जवाब मांगा गया है। राम गोपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल के घर के बाहर भी ऐसा ही एक नोटिस लगाई गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले योगी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है, जहां 494 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के दोनों छोरों के बीच यातायात को सुगम बनाना और दूरी कम करना है। यह प्रोजेक्ट जनवरी 2025 में पूरा होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 और 19 नवंबर को बिहार के दरभंगा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। दिल्ली में सर्दी के शुरू होते ही हवा से लेकर पानी तक सब कुछ जहरीली होती जा रही है, जहां शुक्रवार को आनंद विहार की औसत वायु गुणवत्ता 300 के पार पहुंच गई। वहीं यमुना नदी में एक बार फिर से जहरीले झाग की चादर बिछ गई है। इस बार मानसून में रिकॉर्ड बारिश दर्ज किए गए, इसके बावजूद भी यमुना का प्रदूषण साफ नहीं हो सका।
तख्त श्री दमदमा साहेब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। जहां नगर कीर्तन में शामिल होने पहुंचे जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि जब तक अकाल पूर्व चाहेंगे तब तक वह बतौर सेवा करते रहेंगे। उन्होंने भारत कनाडा में जारी विवाद पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत सरकार को संबंध सुधारने के लिए पहल कदमी करनी चाहिए। हरियाणा के 90 सदस्य 15वीं विधानसभा में कुल विधायकों के 15% से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जहां आरोप लगाया गया है कि मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, मगर सरकार ने 14 मंत्री बनाए हैं, जो संविधान संशोधन का उल्लंघन है। दीपावली पर उल्लू पालने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है, जहां देहरादून में चिड़ियाघर के वन जीवों को वार्षिक भुगतान पर गोद लेने की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत यहां सभी प्रकार के वन जीवों को कोई भी गोद लेकर उसका खर्च उठा सकता है। लेकिन इन दिनों लोग अन्य जीवों के बजाय उल्लू गोद लेने में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बता दें कि दीपावली पर उल्लू के महत्व को देखते हुए चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में लोग उल्लू पालने के लिए आवेदन दे रहे हैं। झारखंड में एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे के साथ ही भगदड़ मचता दिख रहा है, जहां शुक्रवार को जमुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक केदार हाजरा और आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने सत्तारूढ़ झामुमो का दामन थाम लिया। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के महबूब नगर में बीते दिनों 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली कल्पना उर्फ सुजाता को गिरफ्तार किया। बता दें कि 60 वर्षीय सुजाता छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी की प्रभारी समेत कई पदों पर काम कर चुकी है। नामी नक्सली रमन्ना के मारे जाने के बाद उसे दंडारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का प्रभारी बनाया जा रहा था, परंतु उसने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए प्रभार लेने से मना कर दी थी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्य सचिव अनुराग जैन ने किया। मुख्य सचिव ने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश देश का तेजी से विकसित होता राज्य है, प्रदेश मिनरल रिसोर्सेज में नंबर 1 पर है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार अपने चुनावी वादे को भूल गई है। कांग्रेस सरकार 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद लोगों को नौकरी देने के बजाय नौकरी से निकालने का काम कर रही है, जिससे दूसरे राज्यों के लोग भी कांग्रेस पर विश्वास करना छोड़ चुकी है। बारामूला से सांसद शेख अब्दुल रशीद ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 की जगह केवल राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने वाले प्रस्ताव को पारित करने की खबर पर निराशा व्यक्त किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लुका छिपी का गेम खेल रही है, ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों में तलवारें खिंचती दिख रही है, जहां शिवसेना यूवीटी नेता संजय रावत ने यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। वहीं हालत बिगड़ता देख उद्धव ठाकरे बचाव में आए और नसीहत देते हुए कहा कि परिस्थिति को टूटने की कगार पर नहीं पहुँचने देना चाहिए। संत आसाराम बापू के बेटे नारायण साई को अपने पिता आसाराम से मिलने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वह पिता आसाराम से जोधपुर जेल में 4 घंटे तक मिल सकेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि जेल में पिता पुत्र की मुलाकात के दौरान कोई भी मौजूद न रहे, लेकिन नारायण स्वामी माँ और बहन से नहीं मिल सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के करनी विहार थाना इलाके के रजनी विहार में गुरुवार की रात 9 बजे आरएसएस के शरद पूर्णिमा का खीर वितरण कार्यक्रम में कुछ लोगों ने चाकूबाजी कर दी। घटना में 10 लोग घायल हो गए, जहां बताया जा रहा है कि यह हमला उस समय हुआ जब हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था और प्रसाद वितरित किया जा रहा था, तभी आपसी झगड़े के कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है गीता अनुरागी, वशिष्ठ तिवारी, अशोक परमार, देवेंद्र साहू, रक्षा आर्य, सुनील कुमार पाथीपाका, प्रवीण कलिता, सुल्तान अंसारी, राजेश कुमार, गौतम महतो, घरेलू खाना, मेदीलाल मौर्या, सुधीर कुमार मिश्रा, सुनील कुमार पाथीपाका, शिवाजी पटेल, अशोक कुमार आर्य, केशव चंद तिवारी, राजेंद्र केलवा, चंचल सिंह, दीनबंधु कलसाई, काजल गांगली, अयोध्या प्रसाद राठौर, बलबंत सिंह गिल, बंटी हजारिका, रणधीर सिंह, गौतम महतो, उपेंद्र रणधीर सिंह, एसपी सिंह, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, विनोद तिवारी, प्रहलाद पंडित, धोंदू दास, सुरकान बोकड़े, सत्येंद्र शाह, सुनील कुमार पाथीपाका और करुणा चक्रवर्ती। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।